आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज जो जिस मुद्दे पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली के लगभग 10 लाख व्यापारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पिछले कुछ महीने पहले बीजेपी शासित एमसीडी ने कुछ तुगलकी फरमान जारी किए थे, जिसमें कि जो जनरल ट्रेड लाइसेंस है उसकी फीस को 17 गुना बढ़ा दिया, फैक्ट्री लाइसेंस की फीस है उसको लगभग 40 गुना बढ़ा दिया, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उस पर हाउस टैक्स को लगभग दुगना कर दिया, जो वेकेंट लैंड है, खाली जगह है, उस पर हाउस टैक्स लगभग 1.5 गुना बढ़ा दिया। जब ये बढ़ोतरी हुई तो सदन में और स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी के पार्षदों ने, आम आदमी पार्टी के हमारे जितने भी काउंसिलर्स हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन किए, सिग्नेचर कैंप चलाए मार्केट में जा जा करके, और दिल्ली के 5 लाख दुकानदारों से इसके विरोध में हस्ताक्षर कराए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तमाम मार्केट एसोसिएशंस हैं उनके उनके साथ मिलकर के इसके विरोध में अभियान चलाया। तमाम तरह का जो प्रयास आम आदमी पार्टी कर सकती थी वो किया, और इसी का परिणाम है कि आज बीजेपी शासित एमसीडी ने अपने इन तुगलकी फरमानों को वापस लिया है। जो 17 गुना ट्रेड लाइसेंस की फीस थी उसको वापस लिया, फैक्ट्री लाइसेंस की फीस को वापस लिया, रेंटेड प्रॉपर्टी पर जो हाउस टैक्स डबल किया था उसको भी वापस लिया, और जो वेकेंट लैंड है उस पर हाउस टैक्स 1.5 गुना बढ़ाया था उसको भी वापस लिया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे जो हाउस में, सदन में, स्टैंडिंग कमेटी में जो भी पार्षद साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देता हूँ, और दिल्ली के तमाम व्यापारी संगठनों को, जो दिल्ली के 10 लाख व्यापारियों ने जिस इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, तो तमाम मैं व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी का परिणाम है, उनके संघर्ष की जीत है कि आज बीजेपी शासित एमसीडी ने इन तुगलकी फरमानों को वापस लिया। और हम बीजेपी को चेतावनी देते हैं, बीजेपी शासित एमसीडी को, जब जब बीजेपी शासित एमसीडी इस तरह के आम आदमी विरोधी, व्यापार विरोधी कानून लेकर आएगी, आम आदमी पार्टी ना केवल सदन में स्टैंडिंग कमेटी में इसका विरोध करेगी, बल्कि जनता के बीच जाके, व्यापारियों के बीच जाके भी इनका विरोध करेगी, और इसी तरह से हम आम जनता की और व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे एमसीडी के विपक्ष के नेता विकास गोयल जी भी मौजूद हैं, अब वो कुछ बातें कुछ स्थितियों से आपको नमस्कार अवगत कराएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र अब दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। एक तरफ कोरोना के नाम पर विज्ञापन कंपनियों को, पार्किंग की माफियाओं को, टोल टैक्स कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने माफ कर दिए, वेव ऑफ कर दिए। दूसरी तरफ उसी कोरोना काल में उन्होंने व्यापारियों पर, जैसे भी ब्रजेश भाई ने बताया, कि किस तरह से नए नए टैक्सों का बोझ लाद दिया। लेकिन आज मैं दिल्ली की जनता को, व्यापारियों को बधाई देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के संघर्ष से, व्यापारियों के संघर्ष से आज जो टैक्स बढ़े थे वो भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, वो टैक्स उन्होंने वापस ले लिए। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि वो कोई भी ऐसा फैसला जो दिल्ली की जनता के खिलाफ होगा, व्यापारियों के खिलाफ होगा, आम आदमी पार्टी उसका कड़ा विरोध जारी रखेगी, संघर्ष अपना जारी रखेगी। और एक बात, अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाउस में, इन्होंने खुद पीसी करके हाउस में अनाउंसमेंट की थी कि 50 वर्ग मीटर तक की दिल्ली की जो संपत्ति है उनका हाउस टैक्स माफ़ किया जाएगा, और उसके होर्डिंग भी पूरी दिल्ली में इन्होंने लगा दिए थे बधाई के, पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा दिए थे बधाई के। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आज हाउस में खुद भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, कमिश्नर ने माना कि ऐसा कोई प्रस्ताव वो नहीं है, 50 वर्ग मीटर तक का जो हाउस टैक्स माफ़ करने का उनका ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हुआ कि कैसे वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। और आम आदमी पार्टी ये भी मांग करती कर रही है कि जो घोषणा आपने की थी कि 50 वर्ग मीटर तक के मकानों पे हाउस टैक्स माफ़ होना चाहिए, तो उसको तुरंत लागू करें, और 50 वर्ग मीटर तक की जितनी भी संपत्ति दिल्ली में है उनको टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। धन्यवाद।